फिल्म की शुरुआत में एक सैटेलाइट धरती की तरफ बढ़ रही होती है। ये नासा की थी। सैटेलाइट छोटे एस्टेरॉयड से टकरा के रास्ता भटक जाती है और धरती पे क्रैश होने वाली थी। नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मौजूद लोगों से कहती है उन्हें वो सैटेलाइट को गिरने से रोकना होगा। स्टेशन के अंदर रोरी नाम का एस्ट्रोनॉट होता है। वो स्पेस सूट पहन के बाहर जाता है और सैटेलाइट को रोबोट के जरिए पकड़ता है। बाकी के लोग खिड़की से उसे देख रहे होते हैं। इन सब में मिरांडा नाम की लड़की होती है। वो कहती है उस सैटेलाइट में मंगल ग्रह की मिट्टी का सैंपल था। दरअसल नासा ने मार्स पे एक रोबोट भेजा था। उसने वहाँ की मिट्टी का सैंपल लिया। उसमें अजीब तरह का वायरस था। सैटेलाइट को धरती तक पहुँचने में 8 महीने का समय लगा, लेकिन वो रास्ते में एस्ट्रॉइड से टकरा गई। स्टेशन में डेरी नाम का एक डॉक्टर होता है। वो लैब के अंदर मिट्टी की जाँच करता है। उसे सफेद रंग का एलियन दिखता है जो की वायरस के जितना छोटा था। डेरी कहता है इसका मतलब बहुत सालों पहले मार्स पे जीवन था। डेरी उस एलियन को जिंदा करने की कोशिश करता है। सेफ्टी के लिए एलियन को एक डब्बे में रखा था। डेरी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। ऐसा होते ही एलियन हिलने लगता है। नासा इस बात का खुलासा करती है। वो सभी एस्ट्रोनॉट उनकी खोज के लिए फेमस हो जाते हैं। उनका स्टेशन पे रहते हुए इंटरव्यू लिया जाता है। छोटे बच्चे उनसे सवाल पूछते हैं। एक बच्ची उस एलियन का नाम कैल्विन रखती है। शो नाम का एस्ट्रोनॉट बच्चों को एक्सप्लेन करता है वो स्पेस में टॉयलेट कैसे जाते हैं। एलियन बहुत तेजी से बड़ा होता है। डेरी उस एलियन के आगे अपनी उंगली हिलाता है। एलियन की बॉडी से 2 हाथ बाहर निकल आते हैं और वो डेरी की उंगली को छूने लगता है। एलियन डेरी की उंगली पर चढ़ चुका था। मिरांडा को ये बात अच्छी नहीं लगती। एलियन खतरनाक हो सकता है। 25 दिन बाद एलियन का बॉक्स खराब हो जाता है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से एलियन हाइबरनेशन में चला जाता है। ये गहरी नींद जैसी कंडीशन होती है। एलियन हिलना बंद कर देता है। डेरी उस एलियन को जगाने के लिए शॉक देने का सोचता है। डेरी के हाथ में एक गैस लाइटर जैसी चीज होती है। एलियन को झटका लगने पे वो डेरी के हाथ को पकड़ लेता है। वो इतनी ताकत से डेरी के हाथ को जकड़ता है कि हाथ की हड्डियां टूट जाती है। डेरी अब तक बेहोश हो चुका था। एलियन डेरी को जाने देता है। एलियन इतना इंटेलिजेंट था वो डेरी के लाइटर को लेके ग्लव के अंदर छेद कर देता है। वो ग्लव बॉक्स से जुड़ा हुआ था और ग्लव को फाड़ के एलियन बाहर आ जाता है। उसे देख के सारे एस्ट्रोनॉट्स की आंखें फटी रह जाती है। रोरी को मौका मिलने पे वो लैब का गेट खोल के डेरी को बाहर निकालता है। लैब में एक चूहा था। एलियन उसे खा के साइज में बड़ा हो जाता है। रोरी लैब से जाने वाला था कि एलियन उसकी टांग से चिपक जाता है। बाकी लोग गेट बंद कर देते हैं। शो नाम का एस्ट्रोनॉट रोरी से कहता है लैब के अंदर फायर गन है जिसमें से आग निकलती है। रोरी एलियन को जलाने की कोशिश में सारा फ्यूल खत्म कर देता है। वो फायर गन काम नहीं करती। एलियन तो कैबिनेट में छुपा हुआ था। वो पीछे से आके रोरी के मुंह में घुस जाता है और रोरी की मौत हो जाती है। कैटरीना स्पेस स्टेशन की कमांडर थी। वो कहती है उन्हें एलियन के बारे में नासा को बताना होगा। वो नासा से संपर्क नहीं कर पाते। शो कहता है उनके स्टेशन का एंटीना खराब हो चुका है, उसे बाहर जाके रिपेयर करना होगा। कैटरीना रिपेयर करने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ एंटीना को ठंडा रखने वाला लिक्विड कूलेंट खत्म होता है। कैटरीना लिक्विड कूलेंट के टैंक को चेक करती है तो उसमें से एलियन बाहर आता है। एलियन वो लिक्विड कूलेंट को पी गया था जो कि एक तरह का पानी था। एलियन कैटरीना के हेलमेट से चिपक जाता है। एलियन कैटरीना को जकड़ने लगता है जिससे कैटरीना के सूट में लगा वाटर फिल्टर टूट जाता है। कैटरीना के हेलमेट में पानी भरने लगता है। उसे पानी की वजह से आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो स्पेस स्टेशन में वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। उसे एयरलॉक तक पहुंचना था। एयरलॉक दूसरी तरफ होता है। कैटरीना जल्दी करते हुए स्पेस में जंप करती है। डेविड उसका वहाँ पे वेट कर रहा था। डेविड कैटरीना से कहता है उसे वो एयरलॉक बाहर से खोलना पड़ेगा। कैटरीना को कुछ दिखाई नहीं देता और वो एयरलॉक खोलने की बजाय उसे टाइट कर देती है। हेलमेट में पानी भर चुका था और दम घुटने से कैटरीना की मौत हो जाती है। एलियन कैटरीना पर से उतर के स्पेस स्टेशन की दीवार से चिपक जाता है। स्पेस स्टेशन के अंदर इंजन लगे हुए थे। एलियन उसी इंजन में से होते हुए अंदर आ जाता है। डेविड और बाकी एस्ट्रोनॉट एक कमरे में लॉक हो जाते हैं। अचानक से डेरी को हार्ट अटैक आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। मिरांडा डेरी को मशीन से झटका देने की कोशिश करती है। तभी उन्हें डेरी की टांग पे एलियन चिपका हुआ दिखता है। डेरी की मौत हो जाती है और एलियन बाकियों पे हमला करता है। डेविड और मिरांडा एलियन से बचने के लिए एक दूसरे कमरे में जाके उसे लॉक कर देते हैं। शो वहीं फंसा हुआ था। वो अपनी जान बचाते हुए सोने वाले पॉड के अंदर छुप जाता है।
एलियन स्लीपिंग पॉड का कांच तोड़ नहीं पाता और वापस जाके डेरी की बॉडी से लिपट जाता है। एलियन डेरी का खून पीता है। ऐसा करने से एलियन का साइज और भी बड़ा हो जाता है। वहीं नासा वाले एक दूसरा शिप भेजते हैं जो स्पेस स्टेशन से जुड़ जाता है। डेविड खिड़की से टॉर्च जला के उन्हें सिग्नल करता है। डेविड को लग रहा था वो शिप उन्हें बचाने के लिए आया है, लेकिन मिरांडा डेविड को बताती है उसने एलियन के बारे में नासा को बता दिया था। वो शिप उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि एलियन को मारने के लिए आया है, यानी कि वो शिप उनके स्पेस स्टेशन को धरती से दूर ले जाएगा। शो स्लीपिंग पॉट से बाहर आता है और उसे भी वही गलतफहमी होती है कि वो शिप उन्हें बचाने के लिए आया है। वो एयरलॉक खोल के शिप में जाने की कोशिश करता है। एलियन उसी एयरलॉक के पास था। एलियन शिप में घुस के उसमें बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को मार देता है। उन एस्ट्रोनॉट के मरने से शिप कंट्रोल में नहीं रहता और वो एयरलॉक को तोड़ देता है। शो एलियन और बाकी सभी लोग स्पेस में खींचने लगते हैं। मिरांडा शो को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वह एलियन शो की टांग को पकड़े हुए था। एलियन शो के ऊपर से होते हुए मिरांडा पे चढ़ने की कोशिश करता है। शो अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए एलियन को पकड़ लेता है। एलियन समय रहते अपने आप को छुड़ाता है और बेचारा शो बिना बात के स्पेस में चला जाता है। वो शिप जो बेकाबू हो गया था स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है और उसके सोलर पैनल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर बंद हो जाते हैं और लाइफ सपोर्ट काम नहीं करता। डेविड मिरांडा से कहता है शिप की ऑक्सीजन एक घंटे में खत्म हो जाएगी। डेविड एक प्लान बनाता है। स्पेस स्टेशन के अंदर दो रेस्क्यू पॉड है। डेविड एलियन को पकड़ के पहले वाले पॉड में ले जाएगा और मिरांडा दूसरे पॉड से धरती पे चली जाएगी। इस तरह से उन दोनों में से एक जना तो जिंदा रहेगा। डेविड एलियन को अपनी ओर लाने के लिए ऑक्सीजन कैंडल का इस्तेमाल करता है। इन्हें अंधेरे में रोशनी करने के लिए काम लेते हैं और इनमें से ऑक्सीजन निकलती है। जैसा कि शिप के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, एलियन ऑक्सीजन कैंडल से चिपक जाता है और डेविड के पीछे पॉड में चला जाता है। मिरांडा दूसरे पॉड से होके धरती की तरफ निकल जाती है। लास्ट में एक पॉड को धरती पे क्रैश होते हुए दिखाते हैं। पॉड का पैराशूट खुल के वो पानी में लैंड होता है। मछुआरे वहाँ पे मछली पकड़ रहे थे। वो पॉड को खोलते हैं, लेकिन उसमें डेविड होता है। एलियन ने उसे पकड़ा हुआ था। एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मिरांडा वाला पॉड स्पेस स्टेशन के मलबे से टकरा के धरती से दूर उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है, जबकि एलियन ने डेविड को पकड़ा हुआ था। वो जॉयस्टिक को कंट्रोल करके पॉड को धरती की तरफ मोड़ देता है।